आज वर्ल्ड हार्ट डे पर मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स को आपको बताना चाहूँगा जिससे हमें ये ध्यान रहे कि इनके लिए हमको एक हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो सिम्टम्स क्या है, क्योंकि कई बार हमने देखा है पेशेंट समझ नहीं पाते, कई बार हम लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है कि इस मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल आपने सुना होगा यंग से यंग लोगों को भी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और बीमारियों की रोकथाम नहीं होने से बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो ओवरऑल समझने के लिए हार्ट के मरीज को अगर सांस फूल रहा है, कहीं पे भी छाती में दर्द हो रहा है या बैक में दर्द हो रहा है, कभी कभी दांतों में दर्द होता है, कभी कभी नेक में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी उसको घबराहट होती है, कभी उसको लगता है कि उसकी पल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, उसका वज़न बढ़ता है, शरीर में सूजन, पैरों में सूजन आने लगती है, रात में सीधे सो नहीं पाते, तकिया लगा के या बैठ के उनको सांस लेना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये ज़रूर ही समझना चाहिए कि आपको हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब सा गैस बन रही है, कहीं पे भी भारीपन या दर्द लग रहा है, जो सांस फूल रही है, ये सब चीज़ें अगर आपको चलने में बढ़ रही हैं, चलने नहीं दे रही, आपको या तो स्पीड कम करनी पड़ रही है और आपको रुकने से आराम मिल रहा है या स्पीड कम करने से आराम मिल रहा है, तो चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, ये हार्ट का सिम्टम मोस्ट लाइकली है, क्योंकि हार्ट के सिम्टम आपको मेहनत नहीं करने देंगे, वो आपको तेज चलने नहीं देंगे, तो आराम करने से उनमें रिलीफ होता है। ये सबसे बड़ी खास बात है जिसकी वजह से आपको समझना चाहिए कि हमको हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एक और बात, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी माने कि अगर आपके रिस्क ज़्यादा हैं बाकी पॉपुलेशन से, अगर आपके मदर फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी या है, तो वो जीन्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपका ज़्यादा है। अगर आप, हम साउथ एशियंस में हम लोगों को ज़्यादा इंसिडेंस है, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंस है, उसके ऊपर अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमें ब्लड प्रेशर है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है या हमारा जो रूटीन दिनचर्या है वो ख़राब है, हम रात में जग रहे हैं, हम दिन में सो रहे हैं, हम बेवक्त वक्त पे खाना खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, हम अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे, ये भी ज़रूरी है। अगर ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो यहाँ से बैक्टीरिया वो ब्लॉकेजेस को फटने में ज़्यादा सहायता करते हैं, प्लाक रप्चर होता है, हार्ट अटैक की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। स्ट्रेस में तो आजकल सभी लोग हैं, तो स्ट्रेस लेवल अगर हमारा और ज़्यादा हो रहा है, कोविड में तो सबका ही स्ट्रेस लेवल हाई है, लेकिन अगर हमारी जॉब रिक्वायरमेंट, किसी की जॉब चली गई, किसी को कम अर्निंग, किसी के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए इस पैंडमिक की, अपना अकेलापन ज़्यादा है, अपने दोस्तों से घर वालों का ख्याल नहीं कर पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, अकेलापन हो रहा, इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा है, तो इसको हम अगर मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेट नहीं कर पा रहे, हम अपना ख्याल नहीं कर पा रहे, हमें जो चीज़ पसंद आती है उसको हम नहीं कर पा रहे, हमारे जो शरीर में खराब पदार्थ हैं स्ट्रेस की वजह से वो बढ़ रहे हैं, और जो आपको अच्छा बनाते हैं, जो एंडॉर्फिन्स होते हैं जब आप खुश महसूस करते हैं, वो चीज़ों की कमी होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका वज़न बढ़ते चले जा रहा, तो ये आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो। तो अगर इस हाई रिस्क कैटेगरी में हो, और जैसा मैंने पहले बताया, जो सिम्टम्स आपको चलने नहीं दे रहे, जो आपको रात में सोने नहीं दे रहे, उठ के बैठना पड़ता है, शरीर में सूजन है, वज़न बढ़ रहा है, आपके हार्ट की गति उल्टी सीधी लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं करें प्लीज़। इसका मतलब है ये हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इस
इन्फॉर्मेशन से आप सबको फ़ायदा होगा, आप सब अपना ध्यान रख पाएंगे। इस वर्ल्ड हार्ट डे में मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।